हमारा टॉपिक है लोन टू द डायरेक्टर। अब देखिए, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, उनका कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है और मैनेजमेंट के ऊपर भी डायरेक्ट कंट्रोल होता है। वो बहुत ही ऐसी पोजीशन में होते हैं कि कंपनी से जितना चाहे लोन के रूप में बेनिफिट जो है ले सकते हैं, और वो इस तरीके की पोजीशन में भी है, पावरफुल पोजीशन में, क्योंकि उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो है कंपनी में होती है कि वो कंपनी के जो फंड्स हैं उनका मिसयूज़ कर सकते हैं अपने खुद के पर्पसेज़ को फुलफ़िल करने के लिए। इस तरीके की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके सेक्शन 185 में जो है ये कहा गया है कि डायरेक्टर्स को लोन वगैरह जो है वो नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया भी जाएगा तो वो रेगुलेट किया जाएगा सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली। जो सेक्शन 185 है वो ये कहता है कि कुछ एक कंडीशन को छोड़ के कंपनी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं देगी, ना ही वहाँ पर लोन देगी अगर कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है उसको भी। किसी भी ऐसी फर्म को कंपनी लोन नहीं देगी जहाँ पर वो डायरेक्टर या उसका रिलेटिव जो है पार्टनर है। किसी प्राइवेट कंपनी में अगर वो डायरेक्टर जो है एज ए डायरेक्टर या मेंबर काम कर रहा है, किसी बॉडी कॉरपोरेट में जहाँ पर जो डायरेक्टर है और जो डायरेक्टर्स हैं उनका अगर उस बॉडी कॉरपोरेट पे जो है 25% वोटिंग पावर पे उनका राइट होता है, जब भी कभी जनरल मीटिंग उस बॉडी कॉरपोरेट की होती है तो उस जनरल मीटिंग में 25% वोटिंग राइट इन लोगों के पास अगर है, तो कंपनी जो है कभी भी किसी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन नहीं देगी। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे काम करने का आदी हो चुका है। इसी तरीके से जो हमारा सेक्शन 185 है वो ये भी कहता है कि कंपनी लोन के साथ साथ ना ही कभी लोन के लिए गारंटी या सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करेगी कंपनी की तरफ से। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स को लोन तो देना ही देना नहीं है, पर अगर मान लीजिए डायरेक्टर कहीं और से लोन लेता है तो उस लोन के लिए कोई गारंटी या फिर सिक्योरिटी भी जो है कंपनी की तरफ से या कंपनी के किसी व्यक्ति की तरफ से जो है प्रोवाइड नहीं की जाएगी कहीं अगर बाहर से डायरेक्टर लोन लेता है। पर सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जबकि कंपनी जो है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को लोन इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनी का जो है व्यवहार ऐसा रहा है कि कंपनी अपने जो भी वहाँ पर सर्विस करते हैं, बहुत टाइम से सर्विस कर रहे हैं एम्प्लॉय, और उनको लोन वगैरह देती है, और इस लोन के लिए उन्होंने एक स्पेशल रेजुलेशन जो है मेंबर की मीटिंग में पास कर लिया है। दूसरा, अगर कंपनी का लोन देना जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि कंपनी लोन वगैरह देने का ही काम करती है, पर वो जो है लोन जब वो दे रही है तो उसने पर्याप्त रूप से सिक्योरिटी वगैरह जो है उसके लिए ली है और इंटरेस्ट रेट भी जो है मिनिमम लिया है जो RBI के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो ना करते हुए कोई कंपनी जो है 185 सबसेक्शन 1 को जो है अनदेखा करती है तो ये कंपनी के लिए पनिशेबल फाइन इसके लिए रहेगा जो कम से कम 5 लाख रुपये और 25 लाख रुपये तक हो सकता है। डायरेक्टर जिसने इस तरीके का डिफ़ॉल्ट किया है कि उसने लोन लिया है या फिर गारंटी वगैरह दी है इस लोन वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी ये पनिशमेंट सेम रहेगी कि उसको 6 महीने की सज़ा या 5 लाख रुपये का फ़ाइन या जो 25 लाख रुपये तक भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई डायरेक्टर कोई लोन एक्सेप्ट करता है या कोई अपने लोन के लिए गारंटी या सिक्योरिटी के रूप में जो है कंपनी से बेनिफिट लेता है तो 185 के अकॉर्डिंग उसकी पोस्ट जो है खाली मानी जाएगी और उसको जो है उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि वो कंपनी से कुछ भी बेनिफिट जो है ले सकते हैं अपनी पावर का यूज़ करके। पर डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या है इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो अराइज़ होता है क्योंकि जो डायरेक्टर है वही लोग ऐसे व्यक्ति है जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट को वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है डील करते हैं, यानी कि किस तरीके से उनको काम करना चाहिए ये कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है, कंपनी एक्ट को फॉलो करके वो करते हैं। तो इनका रिलेशनशिप कंपनी के साथ क्या है, ये एक उलझा हुआ सा क्वेश्चन है। मतलब क्लैरिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंपनी के ट्रस्टी है या फिर ये कंपनी के एजेंट हैं, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे डायरेक्टर और कंपनी के बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का जो है वो संबंध है, और जो कंपनी के डायरेक्टर है वही कंपनी की सारे बिजनेस और कैपिटल प्रॉपर्टी वगैरह का जो है मैनेज करते हैं कंपनी के आर्टिकल्स और प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर है ना तो वो कंपनी के एम्प्लॉई है, ना ही कंपनी के एजेंट है, ना ही कंपनी के जो है स्टाफ है। तो उनकी पोजीशन जो है इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी। एक केस हुआ था यॉर्क एंड नॉर्थ मिडलैंड रेल कंपनी वर्सेस
हडसन, इसमें जो है कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया था, निर्णय दिया था कि जो डायरेक्टर है वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कि कंपनी के कामों को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, कि वो शेयर होल्डर के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के कामों को मैनेज करेंगे। और ये जो सिलेक्शन होती है ये ट्रस्ट के बेसिस पे होती है, क्योंकि ये पर्सन उनके ट्रस्ट पे खरे उतरने चाहिए। जब उनकी अपॉइंटमेंट की गई है तो शेयर होल्डर ये सोच के अपॉइंटमेंट करते हैं इनकी, कि वो जो है शेयर होल्डर के हितों पर खरा उतरेंगे। और इनकी जब अपॉइंटमेंट की जाती है और जब इन्होंने अपनी पोस्ट को एक्सेप्ट किया है, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने उस ट्रस्ट पे खरा उतरने के लिए उस काम को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इनका कंपनी की कैपिटल पर, कैश पर, पूरी प्रॉपर्टी पर या एसेट्स पर पूरा राइट होता है। और उस सब के लिए ये शेयर होल्डर के ट्रस्टी की तरह देखे जाते हैं, कि ये ट्रस्ट के साथ जो है काम करेंगे। और इसीलिए अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो इनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, कि ये जॉइंटली भी और पर्सनली भी जो है लाइबल रहते हैं अपने कामों के लिए। जनरली किन किन कामों के लिए इसको ट्रस्टी माना जाता है? शेयर होल्डर के अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ द शेयर, मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर, एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर, इफेक्टिवली यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इन सब कामों में हम ये कह सकते हैं कि इनको बिना भेदभाव के ये काम जो है करने चाहिए, और ये कंपनी के ट्रस्टी की तरह जो है होते हैं। और भी बहुत सारे केस हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज एजेंट ऑफ द कंपनी। अब देखिए जनरली क्या होता है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और ऐसे में कंपनी कुछ तो खुद भी कोई भी काम नहीं कर सकती। कंपनी जो भी काम करती है वो अपने डायरेक्टर के बिहाफ पे करती है, तो जो डायरेक्टर है उसको एजेंट की तरह हम देखते हैं कि वो कंपनी के एजेंट है, क्योंकि डायरेक्टर जो भी काम करेंगे वो आर्टिकल्स और प्रोविज़न ऑफ लॉ को फॉलो करके जो है काम करते हैं, जो भी उनको काम दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनका रिलेशन जो है कंपनी के एजेंट की तरह है, कि ये जो है कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं। इस मामले में भी एक केस है फर्गुसन वर्सेस विल्सन, इसमें भी इसी तरीके का डिसीजन दिया गया था कि ये जो डायरेक्टर होते हैं ये कंपनी के एजेंट की तरह होते हैं, क्योंकि कंपनी खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकती, जो भी काम करेंगे डायरेक्टर के थ्रू ही काम जो है वो किया जाएगा। और कंपनी और डायरेक्टर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का जो है रिलेशनशिप होता है, और जो डायरेक्टर की लायबिलिटी बनती है वो एज ए एजेंट बनती है, और अगर प्रिंसिपल की कहीं पर लायबिलिटी होती है तो वहाँ पर कंपनी को जो है लायबल ठहराया जाता है, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो खुद से कुछ नहीं कर सकती है, तो डायरेक्टर ही कर रहे हैं, तो डायरेक्टर को इसीलिए एज ए एजेंट अपने प्रिंसिपल की फेवर में ही काम जो है करना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्टर जो होते हैं वो मैनेजिंग पार्टनर के रूप में भी देखे जाते हैं, क्योंकि जैसे इनकी सिलेक्शन होती है इनको इलेक्ट करते हैं कौन? शेयर होल्डर, इन अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भी शेयर होल्डर की तरह वहाँ पर पार्टनर भी होते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी वहाँ पर कुछ शेयर लिए होते हैं जिनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं। तो ऐसे में जो डायरेक्टर है वो एक मालिक के रूप में भी वहाँ पर होते हैं, और वो भी जो है कंपनी के कामों को मैनेज करते हैं, और वो भी जब सिलेक्शन हो रही होती है शेयर होल्डर होने के नाते उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम मैनेजिंग पार्टनर्स के रूप में भी देख सकते हैं। डायरेक्टर एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को ऑफिसर भी माना जाता है, क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं कंपनी में, अगर मान लीजिए वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए जो है उनको पनिश भी किया जाता है, और सज़ा भी जो है दी जाती है प्रिजर्मेंट के रूप में। तो जिस तरीके से मान लो आप कहीं पर अगर ऐसे ऑफिस अपॉइंट किए जाते हैं और आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको पनिश किया जाता है, इसी तरीके से इनको भी पनिश जो है किया जाता है, और इनको जेल भी हो सकती है या दोनों भी सजा दी जा सकती है। तो इस तरीके से हम इनको ऑफिसर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर जो है उनका कंपनी के साथ जब सिलेक्शन होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनके अपॉइंटमेंट का, कि कितने टाइम पीरियड तक वो कंपनी में काम करेंगे, और बदले में जो है उनको रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो इस केस में देखें तो ये एक एम्प्लॉय भी जो है नज़र आते हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ऊपर हमने जितना भी डिस्कस किया उससे हमें ये पता चला कि ना तो ये एग्जैक्टली एजेंट है, ना ही ट्रस्टी है, ना मैनेजिंग पार्टनर, ना कंपनी के एम्प्लॉई, बट जो इनकी पोजीशन है वो ऐसी है कि इनको टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये सारे काम, कभी ट्रस्टी का, कभी एजेंट का, कभी मैनेजिंग पार्टनर का, टाइम के या सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इनको डिफरेंट डिफरेंट काम ये अपने करने पड़ते हैं। और ये अपने डायरेक्टर एक ऐसी पोस्ट है कंपनी में जिसका डिफरेंट प्रोफाइल हमें नज़र आता है, कि कभी वो ट्रस्टी तो कभी एजेंट तो कभी वो एम्प्लॉई है, और उस सबको वो जो है इकट्ठा टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जिससे हमें डायरेक्टर की पिक्चर क्लियर होती है कि ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें बहुत सारे रूप जो है वो
एक व्यक्ति के हमें देखने को मिलते हैं या छिपे हुए हैं। पर सबसे मोटी बात यह है कि जो डायरेक्टर का रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, वो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, और डायरेक्टर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप जो है कंपनी के साथ उसका बना रहे, और शेयर होल्डर के हितों की रक्षा को प्रेफरेंस देते हुए उसे अपने सारे काम जो है करनी चाहिए, और अपनी अथॉरिटीज़ को शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए ही यूज़ करना चाहिए।